नमस्कार। आज हमारे बीच एनवायरमेंटलिस्ट राकेश खत्री जी हमारे बीच हैं। सर, आपका हमारे डिस्ट्रिक्ट 3012 में आज प्रेसिडेंट इलेक्ट मीट वन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप वाटर मैनेजमेंट कंसल्टेंट हमारे ही बीच में, हमारे रोटेरियन दीपक जैन जी हमारे बीच में हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बैठिए सर। पहले मैं राकेश खत्री जी से बात करना चाहूँगा जी। सर, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, पिछले काफ़ी समय से मैं सुन रहा हूँ आपका, मैंने देखा भी था, आप कपिल शर्मा शो में भी गए थे और भी आपका लिंक का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जी, आपका दो जी, बार नाम दर्ज है। जी, आप कुछ अपने बारे में बताएंगे कि ये है क्या और क्या आपके अचीवमेंट्स क्या हैं शॉर्ट में? हालांकि अचीवमेंट बहुत होंगे मेरे ख्याल से, नहीं, एक इतनी मिनट इतनी में भी नहीं दो है कि मिनट में जो पूरा आप टाइम बताना लग जाए। चाहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ मैं अपनी, इको रूट फाउंडेशन। जी लिम्का बुक में जो मेरा नाम गया है वो दो बार इसलिए गया है कि मैंने मैक्सिमम बर्ड नेस्ट बनाए और मैक्सिमम वर्कशॉप करी है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर थिएटर किया पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें 1,12,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसी दौरान में लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर मुझे सम्मानित किया गया था इस घोंसले की वजह से, जो घोंसला मैं बनाता हूँ। जी वहाँ काफ़ी देशों की एंट्री आई थी जो अलग अलग किस्म के थे घोंसले, लेकिन जी मेरा वाला अकेला ऐसा था जो ऑर्गेनिक सबसे बेहतर। चीज़ों से बनाया गया था। उसके बाद 194 कंट्रीज की एक एसोसिएशन है, अर्थ डे नेटवर्क, उन लोगों ने मुझे अपना अर्थ डे स्टार बनाया हिंदुस्तान के अंदर, और मैं उनके लिए स्पैरो बचाने के ऊपर काम करता हूँ। इसमें हम अपने आप कुछ हमारे रोटेरियंस को ये सिखाना अरे चाहेंगे बिल्कुल सर, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल बुलाता हूँ किसी को, बिल्कुल, कृपया आप लोगों से पैकेट कुछ दीजिएगा आए ये। तो हम भी सीखें। अगर मान लो हमारे बच्चे और हम लोग बिल्कुल अगर बिल्कुल आइए बनाना सर, सीख लें तो बिल्कुल इससे ज़्यादा अच्छी बिल्कुल कोई बात नहीं होगी। कोई अच्छी बात ही नहीं होगी सर इससे। ये मुश्किल से 20 मिनट का पूरा प्रोसेस है और 20 मिनट के अंदर वो बड़े आराम से बना सकते हैं इसको, और बड़ा जो इधर सामान है इसमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सामान बड़ा इजी है, आप बड़े आराम से बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको रिंग नहीं मिलेंगे बाहर, बाकी सारा सामान मिल जाएगा। ये देखिए अच्छा इसके अंदर ये 5 रिंग है सिंपल से, एक ये सुतली है जो हर जगह मिल जाती है, एक ये काली सफेद रस्सी है, एक ये धागा है, एक चूड़ी है और एक प्लेन डंडी है। प्लेन डंडी है, और कुछ भी नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पकड़ना है, ये धागा भी बच्चे बना लेते हैं छोटे, ये खुल गया सीधा। आप एक धागा लीजिए और आप बैठ के आराम से बनाइए, मैं आपको एक ही बारी में सिखा देता हूँ। उठाइए एक बिल्कुल धागा उसमें से, एक धागा निकाल लीजिए, दिखाइए, और इस धागे को आप देखिए, आप उसमें से घुमा के आइए पकड़ना, आपको ही पड़ेगा। आइए आइए। ये लीजिए, पकड़िए इसको, इसको गांठ लगाइए, इसी तरह नीचे से कर इसी लीजिए। तरीके से नीचे से बांध दीजिए एक गांठ, या आप नीचे बाद में बांध लीजिएगा, अभी तो आप बना ही रहे ना। थर्ड रिंग ऐसे लगेगा, इसको बांधिए, नीचे बांध दीजिए इसको, इसको नीचे बांध दीजिए। ये बैम्बू स्टिक्स हैं ओके okay. जो रिंग हाँ बनाए बिल्कुल जाते हैं, और बैम्बू ये एक बार। एक एसिड अटैक की कुछ लड़कियां हैं जिनको हमने अडॉप्ट कर रखा है, वो पैकेट यही बनाती हैं, तो इसका अच्छा, जितना भी बिकने का पैसा जाता है तो वो वो तो आप सारा, हमारे को बता दीजिएगा, हम वहाँ से बिल्कुल बिल्कुल मंगा सकते हैं और बिल्कुल आप वहां से मंगा सकते हैं। इससे अच्छा कोई और काम इसके नहीं है। पीछे जो असली कहानी है, जो मोटिवेशन मिली 2008 में, तब मैं दिल्ली चीफ मिनिस्टर के साथ काम करता था, और एक गड़ी मांडू एक जगह जहाँ जंगल है, तो वहाँ बैम्बू के गार्डन लगा रहा था मैं उनके लिए। मैं क्या करता था, घास कटती थी और उसकी इस तरीके से घोंसले बना के पेड़ों पर लगाता रहता था। एक बहुत बुजुर्ग से माली थे, वो देखते रहते थे, रिटायरमेंट की अर्ज पे थे वो, तो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और अपने पास से 101 रुपये निकाल के दिए। उन्होंने कहा ये आपके लिए बहुत बड़ी बरकत होगी ये, क्योंकि आप उनको घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीन छीन लिया, लिया है। तो वो शायद एक दिन था, वो पैसे अब भी मेरे पास हैं, एज बहुत इट अच्छी बात रखे हैं है। वो। ये बांधिएगा ऊपर,
और वो बरकत शायद ऐसी हुई कि 2008 से लेकर अब तक मुझे नहीं लगता, याद नहीं है इन दिनों को छोड़ के कि मैं किसी दिन वर्कशॉप ना कर रहा हूँ। और अच्छी चीज़ है अगर आप लोगों ने ये करा, और इसका बहुत ज़्यादा आपको फर्क देखने को मिलेगा अगर आप लोग जुड़ते हैं। इतनी बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जुड़ेंगे क्योंकि आज आपको यहाँ बुलाने का कारण ये है कि हमारे को जुड़ना है और हमारे को अब ये फोकस एरिया दे दिया गया है, तो इसमें तो हमारे को काम ही करना है पूरे साल। ये इसका पहले आप इसके ऊपर ये चूड़ी बांध दीजिए, यहाँ चूड़ी बांध दीजिए, देखिए एक इधर तरह और से एक इधर, इसके होल दिखाए गए हैं, किस तरह से उसका वो बनाया गया है दिखाइए। ये डंडी, इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है, ये चूड़ी है, चूड़ी ऊपर रहेगी और ये डंडी नीचे इसके ऊपर बंधेगी, इस पे और इस पे, दो जगह बंधेगी ये। छोटे बच्चे जो हैं सर वो जी। इसको, जो मतलब फोर्थ फिफ्थ सिक्स के बच्चे हैं, वो 20 से 25 मिनट में बना लेते हैं। अच्छा, और ये सबसे मतलब और मुझे ये तो लगता है खेल कि खेल में ये बन सकता है नहीं और नहीं ये बहुत आदमी बड़ी ब्लेसिंग है, अगर आप हाँ किसी को घर देते हैं तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और नहीं कोई है नहीं। और वो कोई बच्चे नहीं, बड़े खुश होते हैं जब स्कूल के अंदर बोर्ड बनाते हैं तो उसमें चिड़िया आ जाती है, तो उनको लगता है अरे यार ये तो कमाल हो गया, हमारे बनाए हुए घोंसले में चिड़िया आ बट गई, नेचुरल है, बहुत बिल्कुल अच्छा जैसी जैसे लगता है, आप किचन बिल्कुल गार्डन बनाते हैं और बिल्कुल उसमें बिल्कुल टमाटर पहली बार आए बिल्कुल, आप खाएं तो लगता है अपने घर हाँ के टमाटर हैं। बिल्कुल, घर के टमाटर हैं और पड़ोसी से भी हम कहते हैं कि अभी हाँ घर के टमाटर खाएं आज। बिल्कुल। और ये सारा सामान इजीली अवेलेबल है। अभी जो मैंने पिछले दिनों ऑनलाइन वर्कशॉप करी है, क्योंकि सामान पहुंचा नहीं पा रहे थे, तो घर में जो प्लास्टिक का जार होता है जी मसाले या दाल रखने का, जी इतना बड़ा, हमने उससे बना दिए वो उससे बर्ड बना हाउस। लिया, नहीं है घर में सामान तो आराम से मिल जाता है, उसमें पेंसिल लगा दी हमने, डंडी की जगह पेंसिल लगा दी घर में जो थी, और कूलर सही के चीज़। साइड में जो ग्रास होती है वो उसके ऊपर जोड़ दी, तो वह नेचुरली घोंसला लगता है वो भी। तो आपने तो इसमें पूरी R&D कर रखी है, अरे ये सर भी आपने कुछ बना रखा है ये ये प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया हुआ सर इसके ओके ऊपर, बन गई वो आपकी डंडी, मजबूत बंदी है, बस ये देखिए। फिर उसके बाद आपने इसको इसके अंदर इस तरीके से रखा और ये कवर कर दिया। कवर कर दिया आपने इसको चारों तरफ से, और ये रस्सी जो है ये आपने इसके ऊपर बांध दी। अब आपने सवाल नहीं पूछा कि चिड़िया जाएगी कहाँ से अंदर, कटे कहाँ कटेगा वो, जहाँ पे चूड़ी लगाई चूड़ी गई लगाई है। है वो, तो चूड़ी इसीलिए लगाई गई है। इसको हमें ज्यादा बड़ा नहीं करना होता, छोटा ही रखना होता है वो, क्योंकि अगर हम ज्यादा बड़ा कर देंगे, और इसको बड़ा करने का बेस्ट तरीका, हम चिड़िया का मुंह बच्चों को ऐसे दिखाते हैं ना कि चिड़िया ऐसी होती है, तो हम इसको हाथ में रख के और उतना ही घुमाते हैं, ये उतना ही खुलेगा जितना हमें चाहिए। ये सुतली है, ये हमारे पास जूट है, इस जूट का एक बेड बनाना है हमें छोटा सा, ये सारा इको फ्रेंडली है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हार्मफुल हो नेचर के लिए। ये हमने इस तरीके से बेड बना दिया, हमने इसको लिया, इसके बीच में इस डंडी को रखा और इसको जूट को चारों तरफ से कवर कर दिया। बहुत अच्छा, उसको एक बार दबा लिया, और ये मैं सबको कहता हूँ कि उसको एक बार दिल से लगा के प्यार से दबाइए जरूर इसको, ताकि कम से कम चिड़िया को भी एहसास रहे कि प्यार से बनाया था मेरे लिए। ये रस्सी ली आपने, ये पहली बार रस्सी इसके ऊपर आपने दो बट दे दिए, और फिर उसको बांधना शुरू करेंगे आप। रैंडम बांध रहे हैं मतलब पूरा कवर कर देना उसको, पूरा कवर कर देना है एक बार, क्योंकि तो इसको कवर इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी करते हैं हम लोग कि वो गिलहरी नहीं तो निकाल के ले जाएगी सारा सामान। इजी है और बहुत इजी है, बिल्कुल नेचुरल बहुत इजी लगता है। है।
और दूसरा बच्चों को थोड़ा सा क्रिएटिविटी मिल जाती है। आप अगर उसको नहीं भी लगाएंगे ना, थोड़ा सा होल दिखा देंगे, वो चिड़िया अपने आप बड़ा कर लेगी उसको अपने हिसाब से। ये देखिए यहाँ था ना हमारा होल, ये आपका बहुत सुंदर घोसला तैयार, घोसला तैयार हो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए एक नहीं ज्यादा हो गए होंगे, 1.5 लाख तो मैंने अप्रोक्स फिगर बताई आपको, ये आप ही के लिए, आप ही के लिए, आप ही के लिए, आप ही के लिए। दीपक जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि भाई आप क्या वाटर मैनेजमेंट पे क्या कंसल्टेंट देते हैं, क्या कंसल्टेंट? हमने 99 में एक फिल्म बनाई थी पानी रे पानी, पानी पानी रे पानी में हमने कंसेप्ट ये लिया था कि जो आजकल डे टू डे में पानी की वेस्टेज है ये कैसे कंट्रोल की जाए, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या कैसे कर सकते हैं। आजकल जो कंक्रीटाइजेशन जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, कंक्रीटाइज होने से क्या क्लाइमेट में चेंजेस आए हैं, वाटर डिसबैलेंसिंग क्या हुई है, ये सब कंसेप्ट को लेके हमने एक फिल्म बनाई थी। और उस फिल्म में एक करेक्टर हमने बनाया था बादल को। ओके बादल एक ऐसा करेक्टर था जो कहता था कि मैं तो अपनी सारी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, जमीन पे पानी में जैसे पहले देता था वैसे ही दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग ने यहाँ पे सारी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, कंक्रीटाइजेशन कर दिया, कहीं कुछ कैसे बनाया, मतलब सारा डिसबैलेंसिंग किया है। तो हमने पूरे के पूरे घर का सिस्टम को एनालिसिस किया है, जो अभी राकेश जी ने बात करी कि पानी घर में ज़्यादा हम नारी और नीर की बात, नीर और नारी, घर में पानी किचन में मैक्सिमम यूज होता है, उसके बाद टॉयलेट में होता है, गार्डनिंग में होता है, और कार वॉशिंग, एक कार वॉशिंग में होता है। जो डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन है उसको तो सब लोग अब अवेयर काफ़ी हो गए हैं कि जितना पानी कम से कम यूज़ करें। इसमें एक चीज़ अब कोविड के सीज़न में मैंने और ऑब्जर्व करी है, जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है कि 22 सेकेंड हमको हैंड वॉश करने हैं, तो वो 22 सेकेंड हमारा वाटर फ्लो होता रहता है। मैंने असेस किया है कि 22 सेकंड में लगभग 2 लीटर पानी वेस्ट होता है। तो अगर हम उसको कंजर्व कर ले तो ये एक मेजर कंजर्वेशन है। दूसरा, जब हम गाड़ी की बात कर रहे थे अभी जब बात शुरू हुई, तो ये एक ये बॉटल लगभग सबके पास है जी, इसके कैप पे अगर हम 7 छेक कर लें किसी भी पिन से, ओके, इस तरीके से सेवन होल्स सेंटर एंड कॉर्नर्स राउंड में, ऑल 30 डिग्री पे 7 कॉर्नर, और उससे एक तरह से ये शावर करें, ओके, तो ये हमारी कार को पूरे को लगभग 100 ml में पूरी कवर कर लेता है। और उससे साफ करने के बाद जैसे आप शोरूम से पॉलिश करा के लाते हैं वैसे ही गाड़ी आती है। मैं रोज इसी से करता हूं, 2 साल से इसी से चल रहा है मेरा काम। बहुत बहुत धन्यवाद, हम भी कोशिश करेंगे, और सभी से एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए, राकेश खत्री जी के लिए और दीपक जैन जी के लिए। सर आप लोग आप आए, और चूंकि ये हमारा बहुत बड़ा फोकस एरिया है, और दीपक जी हम आपको तो बाद में इस वो करते रहेंगे कि, और कोशिश करेंगे कि हमारी जो नेशनल वाटर की जो हमारी बॉडी है उसमें आप शामिल हों, हम पूरी कोशिश करेंगे जिससे कि क्या होगा रोटरी को कुछ ना कुछ। इसी के साथ आपका, आप लोगों का, दोनों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक टोकन ऑफ लव, एक हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट के लिए। सर इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का, आपने इतना अपना समय दिया कीमती, पहले गुरु टोकन ऑफ लव हमारे लिए, तो आप दोनों ही गुरु हैं, क्या फर्क पड़ता है। थैंक यू दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बुलाते रहेंगे, और ये भगवान करेंगे ये चिड़िया सुबह सुबह चहकेगी, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।